अगला सवाल है साथी पूछते हैं कि रमजान का छूटा हुआ रोजा अगर 2 साल बाद कजा की जाए तो क्या रोजे के साथ फिदिया भी देना पड़ेगा या सिर्फ रोजा रख लेना काफी होगा? उमूमन औरतों के साथ ये मसला पेश आता है। भाई देखिए, इस सिलसिले में अगर खालिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर नज़र रखी जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि फिदिया भी दिया जाए। लेकिन ये चीज़ मेरे नज़दीक यही राय अहम थी पहले, लेकिन अब उसमें मेरी इस राय के अंदर कुछ तब्दीली है इस नाहिये से, जब हमने देखा कि तकरीबन 1-2 नहीं शायद 7 सहाबा के नाम मुझे मिले हैं जो, जैसे हज़रत अबू हुरैरा हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, वो ये कहते हैं कि क़ज़ा के साथ फिदिया भी देना है और सहाबा में उनका कोई मुखालिफ नहीं मिलता, लिहाजा एहतियात यही है कि क़ज़ा भी करे और फिदिया भी दे जी। लेकिन चूंकि कोई सरी हदीस नहीं है इसलिए मैं वजूब का दर्जा उसको नहीं देता। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त व अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज़ 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।